Again, another very, very, very important question. What it says, the difference between outside and inside surfaces of a cylindrical pipe. Pipe आते ही दिमाग में ये figure ले आया करो. Outer surface, याद है? Inner surface, अंदर वाला. यहाँ पे क्या लगेगा? Outer CS है. तो डिफरेंस बिटवीन आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस. तो टेक्निकली क्वेश्चन में गिवन क्या है आयरा? आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया माइनस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू. पहली चीज ये गिवन है. लेंथ ऑफ पाइप कितनी गिवन है? इसको हाइट भी बोलते हैं. यस और नो? आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाए, यही होता है ना सिलेंडर का. यस और नो? इनर का इज इक्वल टू कॉमन निकाल दो 2 पाए एच. एच दोनों में सेम है. यस और नो? 2 पाए एच कॉमन, अंदर क्या बचा? यस और नो? 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 14 इंटू, ये तो पता ही नहीं मेरे को, इज इक्वल टू आर माइनस आर इज इक्वल टू 7 1 7 44. ये सब इधर आके डिवाइड हो गया. 222 इंटू 4 खत्म. आर माइनस आर किसके बराबर आया? 1/2. यहां तक क्लियर है सबको? बोलो. तो पहली इंफॉर्मेशन जो थी वो मैंने यूज कर ली. सेंटीमीटर स्क्वायर से पता चल रहा था एरिया की बातें हो रही है. डिफरेंस ऑफ एरियाज है तो एरियाज आउटर और इनर अलग अलग बात कर दी तो क्या होता? कर्व्ड सरफेस एरिया. यस और नो? आगे बढ़ते हैं. इफ पाइप इज मेड ऑफ 99 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल तो वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज इज कितना? अच्छा, हैविश सिलेंड्रिकल पाइप, हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप का वॉल्यूम का फॉर्मूला आप दोनों चेयर्स इधर इधर करके ताकि हैविश और हेमांग को दिखे. आप भी इधर इधर हो जाओ. हैविश और सॉरी हर्षित को. पाए कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, याद है कि नहीं याद है? यहां से क्या है? आर स्क्वायर माइनस 99 अपॉन पाई एच आर प्लस आर इंटू आर. ये कौन सी प्रॉपर्टी है? सुनी हुई है? ए प्लस बी इंटू ए इज इक्वल टू 99 अपॉन पाई की वैल्यू 7 ऊपर, एच कितना है? 7 1 7 11 टू 11. तो आर माइनस आर की वैल्यू क्या आई थी? इसको यूटिलाइज कर लें. आर प्लस आर इंटू 1/2 इज इक्वल टू 9/4. आपको ये पता सब कुछ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है. 2 1 2 तो R प्लस आर किसके बराबर आ गया? यहां तक किसी को डाउट? पक्का? श्योर? इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स वर्क इट आउट ओवर हियर. मुझे स्मॉल R और कैपिटल R पूछा है. ये एक लीनियर इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दें. R प्लस आर इज इक्वल टू R माइनस आर इज इक्वल टू आर और आर 2 टाइम्स आर इज इक्वल टू 9/2 प्लस 1/2 10/2. 10/2 को आता है 5. तो आर इज इक्वल टू इधर 5 बचा, जो इधर 2 था इधर आके क्या हो गया? 5/2. कैपिटल आर क्या आ गया? 5/2. यस और नो? यहीं से वैल्यू पुट करते हैं स्मॉल आर निकालने की. 5/2 इसमें पुट कर रहा हूं. 5/2 माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू माइनस आर उधर ले जाओ. 5/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 5 - 1 = 4. 4/2 इज, तो स्मॉल रेडियस कितना आ गया? सेंटीमीटर्स लगा लेना. अंडरस्टूड एवरीबडी? कौन सा बेटा? ये वाला बेटे कैपिटल आर निकल चुका था, मैंने इसमें पुट किया. निकल चुका था, मैंने पुट कर दिया. माइनस आर उधर जाके क्या बन गया?
वन बाई टू इधर आके क्या बन गया, फाइव बाई टू माइनस वन बाई टू, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम डायरेक्ट हो गया, फाइव माइनस वन फोर, फोर बाई टू इज टू, करो नोट, इसको कर दो।